दोस्तों मृत्यु अटल है, जो आया है वो एक ना एक दिन संसार को छोड़कर जाएगा ही जाएगा। ये शरीर नश्वर है। मगर आप लोगों ने क्या कभी गौर किया है कि किसी घर में अगर किसी के सगे संबंधी की मृत्यु हो जाती है तो वहां पर गरुण पुराण का पाठ करवाया जाता है। वैसे तो हमारे हिंदू समाज में कई सारे पुराण हैं, सबकी अपनी महत्ता है, मगर ऐसा क्यों है कि किसी की मृत्यु के बाद गरुण पुराण का पाठ करवाया जाता है? आज के सफर में हम इसकी ही बात करेंगे। तो दोस्तों एक बार क्या होता है कि भगवान विष्णु के जो सवारी थे, भगवान विष्णु के जो वाहन थे, गरुण पक्षियों के राजा, उन्होंने भगवान विष्णु से, अपने स्वामी से कई सवाल किए। उन्होंने पूछा कि स्वामी, प्राणियों की मृत्यु किस प्रकार से होती है, मृत्यु के बाद क्या होता है, यमलोक की यात्रा किस प्रकार की होती है, कितना समय लगता है पृथ्वी लोक से यमलोक जाने में, नरक योनियां क्या होती हैं, सदगति क्या होती है। तो उन्होंने भगवान विष्णु से कई सारे सवाल किए और भगवान विष्णु ने अपने वाहन की तत्परता को देखते हुए उनके सारे सवालों का जवाब दिया, जिसको संकलित कर गरुण पुराण में परिवर्तित किया गया। तो गरुण पुराण में गरुण और भगवान विष्णु सवाल जवाब करते हैं, गरुण सवाल करते हैं, भगवान विष्णु जवाब देते हैं, उसी को हम गरुण पुराण कहते हैं। वैसे गरुण पुराण पढ़ना नहीं चाहिए, मगर आप देख सकते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। दोस्तों गरुण पुराण को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहले भाग में भगवान विष्णु ने जितने अवतार लिए उनका जिक्र मिलेगा और दूसरे अवतार में आपको आत्माओं का जिक्र मिलेगा कि मरने के बाद आत्मा का क्या होता है, आत्मा किस प्रकार से नश्वर गए, यमलोक की यात्रा किस प्रकार की होती है, कितना समय लगता है, मृत्यु के पश्चात क्या क्या होता है, ये सब गरुण पुराण के दूसरे भाग में आप लोगों को जानने को मिलेगा। दोस्तों किसी भी इंसान की मृत्यु के पश्चात जितने भी संस्कार हमारे हिंदू समाज में होते हैं, फिर चाहे वो पिंडदान हो, दाह संस्कार हो, या फिर दसवीं या तेरहवीं हो, इन सबका जिक्र गरुण पुराण में मिलता है। कहा जाता है कि जिस घर में किसी सगे संबंधी की मृत्यु होती है, तो जिसकी मृत्यु होती है उसकी आत्मा कम से कम 13 दिन उस घर में रहती है। इसीलिए ये 13 दिन बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। और अक्सर क्या होता है कि अगर किसी का सगा संबंधी ये दुनिया छोड़कर चला जाए तो फिर उसको लगने लगता है कि उसकी दुनिया पूरी तरह खत्म, अब कुछ नहीं रहा। तो गरुण पुराण का पाठ इसलिए करवाया जाता है क्योंकि गरुण पुराण के पाठ में जो परिजन हैं, उनको मौत की सच्चाई जानने के बाद एहसास होता है कि ये जीवन नश्वर है, ये शरीर नश्वर है, विलाप करो मगर इतना विलाप मत करो कि अपने जीवन की महत्ता को ना समझो। जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है, अपनों को खोकर जीवन में किस तरह आगे बढ़ा जाता है उसकी प्रेरणा देता है गरुण पुराण। 13 दिनों तक मृतक अपनों के बीच में ही रहता है। इस दौरान गरुण पुराण का पाठ रखने से वह स्वर्ग नरक, गति सदगति, अधोगति दुर्गति आदि तरह की गतियों के बारे में जान लेता है। इसके अलावा बुराई क्या है और सदगति किस तरह के कर्मों से मिलती है, ये भी जानने को मिलता है परिजनों को और उस आत्मा को भी जो 13 दिन तक अपने परिजनों के बीच में रहती है। किस प्रकार से यमलोक की यात्रा आसान होगी, इसका उपाय भी गरुण पुराण में बताया गया है। गरुण पुराण के 19,000 श्लोकों में से बचे 7,000 श्लोक में गरुण पुराण में ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य, व्यावहारिक जीवन, आत्मा, स्वर्ग, नरक और अन्य लोकों का वर्णन मिलता है। इसमें भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सदाचार, निष्काम कर्म की महिमा के साथ यज्ञ, दान, तप, तीर्थ आदि शुभ कर्मों में सर्वसाधारण को प्रवृत्त करने के लिए अनेक लौकिक और परालौकिक फलों का वर्णन किया गया है। यहां सभी बातें मृतक और उसके परिजन जानकर अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं कि जो हम लोग तरह तरह के संस्कार करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तप करते हैं, तीर्थ करते हैं, इसका फल किस प्रकार से हमें मिलता है, इसका फल होता क्या है, ताकि आप इसको समझकर अपने जीवन में उतार सकें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं, अपने जीवन को सफल बनाएं। इसमें आयुर्वेद, नीति सार आदि विषयों के वर्णन के साथ मृत जीवन के अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों का विस्तार से निरूपण किया जाता है।
तो गरुण पुराण कहीं ना कहीं परिजनों की जिंदगी आसान बनाता है अपने सगे संबंधियों को खोने के बाद। गरुण पुराण हमें यह सिखाता है कि किस प्रकार हम ये जो अलग अलग तरह के संस्कार करते हैं उस पे बिना गलती किए हुए हम अच्छे फलों की प्राप्ति कर पाए। तो उम्मीद है अब आप लोगों को समझ में आया होगा कि किसी की मृत्यु के पश्चात गरुण पुराण का पाठ क्यों करवाया जाता है। मुलाकात होगी आप लोगों से अगले सफर में, तब तक के लिए अलविदा। शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।